हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का अध्ययन करेंगे। थॉमस, देखो मेरी माँ ने लड्डू बनाने का व्यवसाय शुरू किया है। उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है और मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। अरे वाह मानस, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम इतने सारे घनाकार मिठाई के डिब्बों के साथ क्या कर रहे हो? माँ को इन 20 घनाकार डिब्बों को एक बड़े घनाभाकार डिब्बे में भरकर विदेश भेजना है। मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस नाप का घनाभाकार डिब्बा खरीदूं। ये तो गणित का प्रश्न है मानस। इसका मतलब ये गणित का समय है। मानस देखो, तुम्हें 20 समान घनाकार डिब्बों को रखने के लिए एक घनाभाकार डिब्बे की आवश्यकता है। तुम इन 20 समान घनाकार डिब्बों को अनेक रूपों में व्यवस्थित कर सकते हो। जैसे यहाँ घनाभ के आधार की लंबाई में 10 घन है और चौड़ाई में 2 घन है। इसका मतलब इस घनाभ के आधार में 10 × 2 20 घन है। और देखो इसकी ऊंचाई 1 घन की लंबाई जितनी है। इस तरह इस घनाभाकार डिब्बे में 20 घन है। दोस्तों, क्या आप इन 20 समान घनाकार डिब्बों को किसी और तरह से घनाभाकार डिब्बे में व्यवस्थित कर सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। और देखो थॉमस, तुम इन 20 समान घनाकार डिब्बों को इन तरहों से भी घनाभाकार डिब्बे में व्यवस्थित कर सकते हो। मैंने यहाँ इन घनाभाकार डिब्बों के नाप भी लिख लिए हैं। थॉमस, क्या तुम जानते हो कि किसी भी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन वॉल्यूम कहलाता है? इसलिए तुम्हारे बड़े घनाभाकार डिब्बे का आयतन वॉल्यूम 20 घन इकाई के बराबर है। अरे वाह, और अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि प्रत्येक घनाभाकार डिब्बे का आयतन उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के समान है। अगर हम घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः L, B और H के रूप में लिखें, तो हमें किसी भी घनाभाकार वस्तु के आयतन वॉल्यूम का सूत्र L गुणा B गुणा H मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक थॉमस। और क्योंकि L गुणा B घनाभ के आधार का क्षेत्रफल है, हम घनाभ के आयतन के सूत्र को इस तरह से आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई भी लिख सकते हैं। मानस, मेरे एक घनाकार डिब्बे की विमा 10 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि इन सभी घनाभाकार डिब्बों का आयतन बिल्कुल समान 20 घन इकाई है, मैं इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके इन 20 घनाकार डिब्बों को उसमें व्यवस्थित कर सकता हूँ। अगर मैं ये 5 घन लंबाई, 2 घन चौड़ाई और 2 घन ऊंचाई वाले डिब्बे का इस्तेमाल करूं, तो मुझे उस डिब्बे की विमा ढूंढने के लिए केवल घन की जगह एक घनाकार डिब्बे की लंबाई को लिखना होगा। इस तरह मैं 50 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभाकार डिब्बे का इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। देखो थॉमस, आज हमने घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का सूत्र सीखा। चलो मैं इन्हें जल्दी से अपनी गणित की सूत्र पुस्तिका में लिख लेता हूँ। चलो अब हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चलें। इन डब्बों को पैक भी तो करना है। थॉमस और मानस ने मिलकर
सभी डिब्बों को उस बड़े घनाभाकार डिब्बे में पैक कर लिया। इस वीडियो में आज हमने घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का अध्ययन किया। हमने सीखा एक, घनाभ का आयतन क्या होता है, दो, घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।